आज की एक बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबल की शाही जामा मस्जिद के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करना होगा। दूसरा, जब तक मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं होगी, तब तक निचली अदालत इस मामले पर अब आगे कोई सुनवाई नहीं करेगी। तीसरी बात, शाही जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफे में रखी जाएगी और कोर्ट का कहना है कि यह रिपोर्ट किसी भी हालत में लीक नहीं होनी चाहिए। और चौथी बात जो आज कही है सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार और प्रशासन को संबल में शांति और सद्भाव को सुनिश्चित करना होगा। इससे पहले संबल की निचली अदालत के आदेश पर 19 नवंबर और 24 नवंबर को एएसआई की टीम ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया था और इस सर्वे की रिपोर्ट आज निचली अदालत में दायर होनी थी, लेकिन अब इसे 8 जनवरी तक टाल दिया गया है। अजमेर शरीफ की दरगाह की तरह संबल में भी हिंदू पक्ष जामा मस्जिद के नीचे भगवान शिव के मंदिर होने का दावा कर रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसे वर्ष 1529 में मुगल बादशाह बाबर के एक दरबारी ने नष्ट कर दिया था, करवा दिया था, और बाद में इसी मंदिर के मलबे से संबल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दावे को सिरे से खारिज करता है और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद का हिंदू मंदिर से कोई संबंध नहीं है। आज हम आपको संबल का एक वर्षों पुराना नक्शा दिखाना चाहते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जिस स्थान पर इस समय मस्जिद है, वहां पहले श्री हरिहर नाम का एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। और यह नक्शा संबल के उन हिंदू परिवारों ने हमें दिया है जो कई पीढ़ियों से इस इलाके में रह रहे हैं। नक्शा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा आप ध्यान से देखिएगा इस नक्शे को। इस नक्शे में मस्जिद के मध्य क्षेत्र में भगवान विष्णु का मंदिर है, बाईं तरफ भगवान शिव का मंदिर है और दाईं तरफ भगवान कल्कि का मंदिर है। यह नक्शा आज मैं अपने साथ भी लेकर आया हूं और इसमें आप मस्जिद के स्थान पर मंदिर को साफ साफ देख पाएंगे। ये नक्शा इस समय मेरे हाथ में, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नक्शा, वही नक्शा इस समय मेरे हाथ में भी है। और यहां भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जामा मस्जिद है बीच में और इसके इस एक तरफ श्री कल्कि मंदिर है, दूसरी तरफ श्री हरिहर मंदिर है और तीसरी तरफ शिव मंदिर है और बीच में आप देखिए, अगर मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाऊं तो यहां आप देख सकते हैं, आपको इस स्क्रीन पर देखना चाहिए, श्री हरि मंदिर आपको यहां बीच में दिखाई दे रहा है, कल्कि मंदिर आपको दिख रहा है यहां पर, शिव मंदिर आपको दिख रहा है और बीच में मस्जिद आपको दिखाई दे रही है और आसपास ये सारे मंदिर हैं, वायुकूप है, शीनक कूप है और यहां सब जगह पूजा पाठ होती है, इससे आप समझ सकते हैं। और ये जो नक्शा है ये हमें वहां रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, जो पीढ़ियों से यहां पर रह रहे हैं, हमारे संवाददाता को उन्होंने ये नक्शा दिया है, संबल में रहने वाले जो पुराने लोग हैं, और वो कहते हैं कि उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां इसी नक्शे को देखते हुए बड़ी हुई हैं और ये नक्शा वहां पर बहुत सारे परिवारों के पास है। इसके अलावा इस मस्जिद की अलग अलग दिशाओं में कुछ जलकुंड और कुएं भी बने हुए हैं, जहां कुछ वर्ष पहले तक हिंदू समुदाय के लोग पूजा पाठ भी किया करते थे, जैसा इस नक्शे में आप अलग अलग स्थानों पर देख पाएंगे। ये तस्वीरें वर्ष 2012 से पहले की हैं जो अभी आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या नजर आएगा। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है वही तस्वीर इस समय मेरे हाथ में है। ये तस्वीर कहां से आई और ये तस्वीर क्या दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि यहां पर पूजा पाठ हुआ करता था और हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्ष 2012 में पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने
यहां हिंदुओं के पूजा पाठ करने पर रोक लगवा दी। और ये वही वर्ष है जब अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। तो ये तस्वीर भी हमें वहां से मिली है जिसमें आप देख पाएंगे कि हिंदू पक्ष के जो लोग हैं वो इसी स्थान पर पूजा पाठ किया करते थे। आज शफीकुर रहमान बर्क के बेटे जियाउर रहमान बर्क संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनके खिलाफ संबल में एक FIR भी दर्ज हुई है जिसमें उन पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इस मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर नहीं है तो फिर मुस्लिम पक्ष को इस स्थान का सर्वे कराने से इतना एतराज क्यों है। मुस्लिम पक्ष ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें इस मस्जिद के सर्वे को चुनौती दी गई है और यह एक ऐसी चीज है जिससे लोगों में शक और भी ज्यादा बढ़ता है। आज ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर नहीं है तो मुस्लिम पक्ष को सर्वे कराकर दूध का दूध और पानी का पानी होने देना चाहिए। असलियत सबके सामने आनी चाहिए, सर्वे कराने में किसी को भी क्या समस्या हो सकती है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ऐसा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इस मस्जिद को मंदिर बताने के लिए ऐसे साक्ष्य और सबूत पेश कर रहा है जिनका उल्लेख बाबरनामा और आईने अकबरी जैसे दस्तावेजों में, जैसी पुस्तकों में मौजूद है। ये दो पुस्तकें और दस्तावेज आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और ये जो दस्तावेज हैं, ये जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, ये बीजेपी के लोगों ने नहीं लिखी हैं या भारत के हिंदू संगठनों ने नहीं लिखवाई हैं। बाबरनामा मुगल शासक बाबर की अपनी आत्मकथा है जिसे बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा। और आईने अकबरी जो पुस्तक है इसको मुगल सम्राट अकबर के एक दरबारी अबुल फजल ने लिखा था और अबुल फजल भी मुसलमान ही थे और अकबर के दरबारी थे। बेशक 40-50-60 साल की तो मेरी उम्र है, 60 साल अपनी 60 साल की जिंदगी समझिए 10-20 सालों से हमने ये जो प्रतिबंध लग गया है मस्जिद के कुएं पे या मस्जिद पे आने जाने में, ये भी ऊपर की सियासत से लगा है। ऐसा था नंबर एक पहले हमारा होता था दिवाली पूजन, तो हम घर में पूजा पाठ करके दिवाली पूजन पाठ करके वहाँ पे दिए रखते थे, वहाँ कुएं की हम पूजा करते थे और पूजा करके एक गोलाई कुंड था पहले, उसमें गोलाई भी हमने जल चढ़ाई करते थे, यूँ करके हम घूम के कुएं पे हाथ जोड़ के आते थे, अगरबत्ती लाते धूपबत्ती लाते थे। तो इस बात पर हमारे पूजा पाठ पर हिंदू का जो है एक्शन उठा लिया गया। तो हमने कि साहब ये तो दियो हमारे कई सालों चले आ रहे हैं, दादा लाए परदादा साहब, और हम जो है दिए नहीं हटाएंगे। तो उन्होंने हमारे पैरों से करके सब दिए कुएं पे से नीचे गिरा दिए और उसके बाद हमारा हिंदू पक्ष गया समझौता करने कि ऐसा सर ये तो हमारी रीति रिवाज चली आ रही है। बोले आप कोई रीति रिवाज नहीं हुई, जो हो गया हो गया, आज के बाद ना दिया जलेगा ना पटाखे छोड़ेगा। तो हम हिंदू समाज इतना सेम गया, उसके बाद हम कोई पूजा करने नहीं गए। कुआ पूजन भी यहाँ पर होता था, होता था, लड़का बच्चा पैदा हुआ वो है ना, बच्चा पैदा हुआ कौन पूजन जावे 8 दिन बाद 4 दिन बाद वो होता था। क्यों अब लोग, आप लोगों ने क्यों जाना बंद किया? न्यू बंद कर दिया, पुलिस जो थी रहती थी पुलिस ने पहले सबसे पहले रख रही, उन्होंने बंद कर दिया। वो सबसे मुस्लिम पुलिस वाले उन्होंने कह दिया यह नहीं होगा, ये आदमी इकट्ठे हुए आ जाया करे, इसे पब्लिक न जाती। देखिए दुर्भाग्य ये है कि जो स्थानीय लोग हैं संबल के, जो पीढ़ियों से संबल में रह रहे हैं, आज हम आपको इनके चेहरे नहीं दिखा सकते। ये लोग अपने मन की बात बता रहे हैं और ये लोग आपको सच्चाई बता रहे हैं कि कैसे उस स्थान पर पूजा पहले हुआ करती थी, लेकिन आज ये अपना चेहरा नहीं दिखा सकते। आज हम भी इनका चेहरा नहीं दिखा सकते कि कहीं इनकी जान खतरे में ना आ जाए।